मैं एसआर सागर ड्रीम इलेवन मैच प्रेडिक्शन में आप सबका स्वागत है। आज का जो मैच है दिल्ली कैपिटल के साथ जो खेलेंगे हमारे सनराइज हैदराबाद जो अपने आईपीएल के दोनों मैच हार चुके हैं और एक तरफ है जो दिल्ली कैपिटल अपना दोनों मैच जीत के पॉइंट टेबल में आगे चल रहे। तो इस मैच में श्रेयस अय्यर और सनराइज हैदराबाद कैप्टन डेविड वार्नर अपने कौन से ग्यारह टीम के लिए खेलेंगे, क्या क्या आज बदलाव हो सकते हैं, आज कोई नया प्लेयर खेल सकता है क्या, क्या टीम प्लान रहेगा, टॉस जीत के पहले कौन बैटिंग करेगा, ये सब बात के हम सब बात का हम आज बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस पूरा वीडियो को। आज का मैच के बारे में बात करने से पहले जो कल का मैच था थोड़ा उसके बारे में बात कर लेंगे। क्या भाई वाह क्या मैच था, कल तो सुपर मंडे हो गया। आपको पता होगा परसों जो मैच था राजस्थान रॉयल के साथ किंग्स इलेवन वो था सुपर संडे। राहुल तिवारी शो, क्या शो था। पहला 23 गेंदे 17 रन, फिर 6 गेंदे एड कर दीजिए 30 रन, 17 30 47, क्या रन, 5 छक्के 1 ओवर, बड़ा नींद उड़ गई, मजा आ गया, पूरा सुपर संडे पैसा वसूल मैच था। कल भी ऐसा था कि सुपर मंडे हो गया मैच, आप सबको सबको पता होगा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 201 रन की थी, 201 रन के बड़े पहाड़ स्कोर थे रोहित शर्मा के सामने, तो 201 रन चेज करना था रोहित शर्मा का टीम को। तो दो रोहित शर्मा बैंगलोर से विराट कोहली इस बार भी फ्लॉप रहे, अच्छे पारी अच्छे से खेल नहीं पाए। हमें उम्मीद है कि आगे जो मैच होगा विराट कोहली हमको अपना शो दिखाए, विराट शो, और हम सब उनके शो में झूमे, लेकिन कल नहीं हो पाया। लेकिन कल जो मैच था पूरा पैसा वसूल मैच था, क्योंकि लास्ट तक पता नहीं चला था मैच कौन जीतेगा। ऐसे ही तो मैच आता कि सोचता कि मुंबई इंडियंस हार जाएगा, लेकिन लास्ट मैच ड्रॉ हुआ और सुपर ओवर हुआ और मैच बैंगलोर जीत लिया, तो आखिर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर मैच जीत गए। लेकिन मैच का ऐसा था, आपको पूरा डिटेल्स बता दे रहा हूँ कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से तरफ से फिंच जो पहला अपना इस बार इस 2020 का आईपीएल का अपना 50 मारे, और देवेंद्र पडिक्कल जो अपने आप को फिर से साबित किया, फिर से एक हाफ सेंचुरी मारे, फिर लास्ट में जो आया आईबी डिविलियर्स की पारी, वो सुपर 30 जो बोलते सुपर 360 वो अभी डिविलियर्स सच में है, क्या पारी था। 4 चौके 4 छक्के के हिसाब से 26 गेंद में 55 रन, अपने टीम का स्कोर को 200 से पार कर दिए और 201 रन का खड़ा पहाड़ खड़ा कर दिए रोहित शर्मा के सामने। इस बार भी रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला, रोहित शर्मा पहले जो कोलकाता मैच था वहां अच्छे पारी खेले थे, लेकिन आज जल्दी आउट हो गए। डिकअप भी अच्छे नहीं कर पाए, उसके बाद आए सूर्य यादव वो भी जल्दी आउट हो गए, लेकिन हार्दिक पांड्या भी बल्ला नहीं चला, वो भी हेलीकॉप्टर शॉट नहीं लगा पाए। हमें उम्मीद है कि अगले मैच में जरूर मारेंगे और हम जरूर घर बैठ के उसका मजा लेंगे। और उसके बाद थोड़े ईशान किशन और थे किरण पोलार्ड, मैच को पूरा बना के लिए पार्टनरशिप बनाते रहे, और लास्ट जो 5 ओवर था भाई क्या मैच था, 30 गेंदे 90 रन चाहिए थे जीतने के लिए और 89 रन बना दिए, मैच को ड्रा कर दिए, भाई क्या मैच था। जो वीरेंद्र चहल और अड्डम चंपा का दो दो ओवर 49 रन, वो तो पूरा नींद उड़ गए भाई, क्या मैच था। बॉल तो ऊपर ऊपर झूम रहा था, किरण पोलार्ड के सामने अब स्पिनर होंगे तो वो बॉल छक्का ही जाएगा और बॉल बाउंड्री जाएगा, और रोहित शर्मा विराट कोहली की तरफ से बोलूंगा तो कुछ फील्डिंग मिस फील्डिंग हुए, कुछ कैचेस होना चाहिए कैचेस नहीं हो पाए, लेकिन मैच ऐसा होना चाहिए कि हमको आखिर दम तक नहीं पता चले कि मैच कौन जीतेगा, और मैच ऐसा ही होना चाहिए और हर दिन हमारा सुपर दिन होना चाहिए, जैसे सुपर संडे और कल बोल सकते सुपर मंडे और आज हो जाए सुपर ट्यूजडे, हमारा यही दावा है। और आज का जो मैच है आप सबको पता होगा दिल्ली कैपिटल के साथ खेलेंगे सनराइजर हैदराबाद जो अपना दोनों मैच हार चुके हैं और दिल्ली कैपिटल अपना दोनों मैच जीत चुके हैं। तो सन हैदराबाद अपना पहला मैच जीतने आज पूरा तैयारी से आएंगी और दिल्ली कैपिटल अपने 2 अंक फिर से प्राप्त करके पॉइंटर्स में ऊपर है, ऊपर रहने के लिए उनका पूरा प्रयास रहेगा। तो आज का मैच होगा पूरा कड़ा टक्कर, एक एक से कम नहीं। तो चलिए चलिए थोड़े दोस्तों थोड़ा बात करते हैं दिल्ली कैपिटल के तरफ से। शायद दिल्ली कैपिटल तरफ से आज इतना ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा क्योंकि अपने वो दोनों मैच जीत चुके हैं, तो चाहे सेमी प्ले लेके खेलेंगे तो वही ओपनिंग करेंगे शिखर धवन, पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ पहले मैच में अच्छे खेले थे, दूसरा जो मैच था श्रेयस अय्यर ऋषभ पंत सिमरन हेटमायर अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, लेकिन आज थोड़ा उनका बल्ला चलेगा और हम उनका बल्ले में झूमेंगे। मार्क स्टोनिक्स, अक्षर पटेल, कगिसो रावाडा, अनिच नोटरेज, अमित मिश्रा जो कि
दूसरा आईपीएल दूसरा मैच में खेले थे, अच्छे बॉलिंग किए थे, और शायद आज मोहित शर्मा की जगह ईशांत शर्मा को जगह मिल जाए, इतना चांसेस तो नहीं लग रहा है क्योंकि अपना दोनों में जीत चुके हैं। अच्छा मनोबल होगा, अच्छे उम्मीद के साथ उतरेंगे फील्ड में आज दिल्ली कैप्टन के, जो नया कैप्टन श्रेयस अय्यर, युवा कैप्टन। तो चलिए दोस्तों, ये था दिल्ली कैप्टन की प्लेलिस्ट। आज अभी बात करेंगे जो सन हैदराबाद अपना दोनों मैच जीत चुके, दोनों मैच हार चुके हैं, और आज पहली जीतने के लिए अच्छे प्रैक्टिस के साथ, अच्छे फील्ड के साथ, प्लानिंग के साथ उतरेंगे। तो आज जो वार्नर का जो प्लानिंग रहेगा, शायद कुछ चेंजेस हो सकते हैं, मेरा जो दावा है, मेरा ये मानना है। नहीं तो ओपनिंग में वही रहेंगे, डेविड वार्नर, जॉनी ब्रिस्टो, वो दोनों आएंगे। उसके बाद मनीष पांडे और मोहम्मद नबी के जगह शायद आज केन विलियमसन खेलेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि केन विलियमसन मिडिल ऑर्डर में खेल को अच्छा संभालते। आपको देखे होंगे तो उस दिन कोलकाता मैच था, बीच में जो आए थे रिद्धिमान साहा और मनीष पांडे तो अच्छे खेले थे, लेकिन साहा थोड़ा धीमा होते। अगर उस जगह में केन विलियमसन हो गए तो मैच को 200 से पार कर सकते। हम सब ने देखा है केन विलियमसन कैबिलियत है कि रन को और 2 गुना रन बनाने में और एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में। तो आज मोहम्मद नबी की जगह केन विलियमसन को जगह मिल जाए और मैच हम मजा ले पाए। रिद्धिमान साहा तो विकेट कीपिंग करेंगे, प्रियम गर्ग, अभिषेक शर्मा, रशीद खान आज कुछ अच्छे चमत्कार दिखाए अपने टीम के लिए, कुछ अच्छे करे, भुवनेश्वर कुमार और रहन टी नटराजन, और सिद्धार्थ कौल के जगह मुझे शायद आज खलील अहमद को खिला सकते हैं, नहीं तो संदीप शर्मा भी है, नहीं तो विशाल तंपी, बहुत सारे ऑप्शन है उनके लिए। शायद देखते हैं आज किसको चांस मिलता है, लेकिन जो भी हो हमको यही चाहिए कि मैच जबरदस्त होना चाहिए और सुपर ट्यूजडे होना चाहिए, 200 से पार मैच हो और हम में घर बैठ के डाउट करेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा, आखिर में मैच ड्रॉ हो जाए, सुपर हो जाए, जो भी हो जाए, लेकिन मैच पूरा कंटेस्ट होना चाहिए, वन साइड मैच ना हो, हम घर बैठ के कोरोना से दूर फील्ड में ना जाकर घर बैठ के मैच का मजा ले पाए और आईपीएल को देख के। यही था मेरा दावा कि आज मैच पूरा जबरदस्त हो और हम मैच को पूरा एंजॉय करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले मैच में।